आप पूछेंगे। हाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हाँ किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐसा ही है, वो राजस्थान के बहुत सीनियर लीडर हैं और मुख्यमंत्री बनते और बहुत ज़्यादा होता तो स्पीकर बनाते आप उन्हें, स्पीकर के लिए शायद हो सकता है तैयार होते ना होते, दैट वे जो है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ऐसी संभावना थी कुछ दिनों पहले कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। वो अपने आप में एक तूफान है, सारा संघर्ष किया है, जिसने गजेंद्र सिंह ने विपक्ष का रोल प्ले किया है, एक मायने में किरोड़ी ने भी, डॉक्टर किरोड़ी ने भी एक बेल्ट के अंदर पूरे के अंदर जो है ना विपक्ष का रोल किया है। एमरजेंसी के टाइम से प्रधानमंत्री को जानते हैं, एमरजेंसी के जो पर्चे छपते थे गुजरात के अंदर राजस्थान में बांटने का काम जो है इनके जिम्मे होता था। अब आप देखिए, मुझे किसी ने कहा कि 12 दिसंबर 1988 को जो है सवाईमाधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई विटाई की पुलिस ने, बहुत घायल हो गए, अमेरिका उपचार के लिए गए, तब से किरोड़ी लाल हीरो हैं अपने अपने फील्ड के जो हैं, 5-6 बार MLA रह चुके हैं, 3 बार MP रह चुके हैं। तो ऐसी संभावना थी। और अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने जो 10 लोग गए थे ये भी साथ गए थे, PM ने किसी से बात नहीं की, इनसे पूछी कैसे हैं डॉक्टर साहब एक तरह से, तो प्रधानमंत्री इनसे प्रभावित हैं। तो ऐसी संभावना थी कि हो सकता है इस बार एक दलित चेहरा, आदिवासी चेहरा, आपका ये दलित पिछड़ा ऐसे चेहरा दे दिया जाए जो पूरे देश में वोटों को जो है ना एग्जनेट कर सके जो है, लेकिन वो नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल।